प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एसके वर्मा अपने यूट्यूब चैनल के 168वें वीडियो तथा महाभारत श्रृंखला के 9वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। महाभारत कथा के इस प्रसंग में आज मैं आपको यह बतलाने का तुच्छ प्रयास करूँगा कि कच्छ से बिछड़ने के बाद शुक्राचार्य पुत्री देवयानी का क्या हुआ। मित्रों, महाभारत का यह प्रसंग मेरे अधिकांश मित्र जानते होंगे। मेरा यह वीडियो उन मित्रों के लिए है जो इस प्रसंग को नहीं जानते हैं या भूल रहे हैं, क्योंकि मुझे इस प्रसंग के संबंध में कोई चित्र प्राप्त नहीं हुआ है और किसी का व्यक्तिगत चित्र कॉपीराइट के अधीन आता है, इसलिए महाभारत के इस प्रसंग में मैं कोई चित्र नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने अपनी लेखनी का सहारा लिया है। मित्रों, देवयानी की एक प्रिय सहेली थी शर्मिष्ठा, जो असुरों के राजा वृषपर्वा की बेटी थी। एक बार सभी सखियां तालाब में स्नान करने गई। तेज वायु के कारण किनारे पर रखे सभी के वस्त्र इधर उधर हो गए। देवयानी ने भूल से शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिया। यह देखकर शर्मिष्ठा आग बबूला हो गई। उसने देवयानी को खूब खरी खोटी सुनाई और एक सूखे कुएं में धकेल दिया। कुरुओं के पूर्वज राजा ययाति ने उसे कुएं से हाथ पकड़कर निकाला। देवयानी ने उनसे विवाह करने को कहा, क्योंकि राजा ययाति ने देवयानी का हाथ पकड़कर निकाला था। राजा श्रेष्ठ ब्राह्मण कन्या होने की बात कहकर विवाह करने से मना कर दिया। देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से शर्मिष्ठा की करतूत बताई। शुक्राचार्य असुरों के राजा वृषपर्वा को सारी बातें बताई और कहा, अब इस असुर राज में वे नहीं रहेंगे। यह सुनकर वृषपर्वा बहुत दुखी हुए। उन्होंने क्षमा मांगते हुए तथा देवयानी की शर्तों को मानते हुए कहा कि देवयानी के विवाह के उपरांत उनकी बेटी शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बनकर उसके साथ जाएगी। दूसरी बार राजा ययाति पुनः शिकार के लिए जंगल आए। पुनः देवयानी से भेंट हुई। इस बार राजा ययाति देवयानी के प्रेम भरे निवेदन को ठुकरा नहीं सके। शुक्राचार्य के आशीर्वाद से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। देवयानी के साथ शर्मिष्ठा भी दासी बनकर राजा ययाति के महल में आ गई। इस प्रकार राजा ययाति और देवयानी कई वर्षों तक सुख चैन से रहे। इसी बीच एक दिन शर्मिष्ठा ने राजा ययाति को अकेला पाकर उनसे प्रार्थना की कि वह उसे भी अपनी पत्नी बना ले। ययाति ने उसकी प्रार्थना मान ली और उसके साथ गुप्त रूप से विवाह कर लिया। आखिर ये बातें कितने दिनों तक छुपती? देवयानी को पता चला, फिर शुक्राचार्य को पता चल गया। शुक्राचार्य को यह जानकर बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने श्राप दिया कि राजा ययाति तत्काल बूढ़े हो जाए। उनका श्राप देना था कि ययाति तुरंत बूढ़े हो गए, जवानी खत्म हो गई थी। राजा ययाति शुक्राचार्य के पास दौड़े गए और शाप से मुक्ति पाने के लिए अनेकों प्रकार से क्षमा याचना की। शुक्राचार्य ने भी सोचा, इसी राजा ने मेरी कन्या को कुएं से निकाला था। उन्होंने राजा ययाति से कहा, मेरा श्राप तो रहेगा ही, लेकिन अगर कोई पुरुष अपनी जवानी तुम्हें दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा अपने ऊपर ले ले, तब तुम फिर जवान हो सकते हो। मित्रों, इस प्रकार बूढ़े राजा ययाति अपने महल लौटकर आ गए। मैं इस प्रसंग को यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको यह बताने का प्रयास करूँगा कि राजा ययाति पुनः जवान कैसे बने। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर
तथा अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।